यह बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी बारीक पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, बादाम, पिस्ता और काजू। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मैंने इस स्पून से 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। और उसके साथ ही हमें चाहिए 1 कटोरी दूध, उसमें मैंने आधा घंटा पहले ही थोड़ा सा केसर जो है वो भिगो के रखा है और इस वजह से इस दूध को अच्छा सा कलर आया है। तो ये दूध भी हमें इसके लिए लगेगा। चलिए अब हम हमारी नारियल बर्फी बनाते हैं। पहले एक पैन में हम हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो ले लेंगे। उसके बाद इस पैन में हम हमारी जो बारीक पिसी हुई चीनी है 1 कटोरी, वो चीनी भी इसमें डाल लेंगे। अभी तक मैंने पैन को गैस पे नहीं रखा है, पहले हम ये सब मिक्स करेंगे और उसके बाद ही हम इसे गैस पर रखेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। देखिए पहले हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला, फिर पीसी हुई चीनी डाली और अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो केसर भिगोया हुआ मिल्क है, वो मिल्क हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से पूरा मिल्क हम इसमें डाल लेंगे और अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस पे रख देंगे। देखिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस ऑन करेंगे। हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप अपनी रेगुलर जो कढ़ाई रहती है उसमें भी ये बर्फी बना सकते हो, लेकिन इसे अच्छी तरह से चलाते रहना जरूरी है ताकि ये नीचे ना चिपके। थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा जो ये मिश्रण है वो अभी एक जगह पे इस तरह से इकट्ठा होने लगा है। इस तरह से हमें थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक ये पूरी तरह से पैन को ना छोड़ दे। अब हमें इसे इसी तरह से मिक्स करते रहना है। देखिए अब हमारा ये जो मिश्रण है वो एक जगह पे ऐसे इकट्ठा होने लगा है, पैन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। देखिए अब हमारा ये जो मिश्रण है ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये पैन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से हमें इसे और थोड़ी देर होने देना है जब तक इसमें जो हमने दूध डाला था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। देखिए अब 5 मिनट चलाने के बाद यह हमारा जो मिश्रण है वह इस तरह से हमें दिख रहा है। देखिए इसे कितना अच्छा कलर आया है। और अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें हमें थोड़ा सा घी भी छूटा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अब हमारा जो मिक्सचर है वो एक जगह पे अच्छे से सेट हो रहा है।
तो अगर ये इस तरह से अच्छे से एक जगह पे सेट होने लग जाए और पूरी तरह से पैन को छोड़ दे, तब समझ लेना कि हमारा ये मिश्रण रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें इलायची पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो हमारा बर्फी का मिश्रण है वो इस तरह से एक जगह जमा हो रहा है। जब इसकी ऐसी स्थिति आ जाए तब समझ लेना कि हमारा ये बर्फी का मिश्रण एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इस बर्फी को सेट करने के लिए एक प्लेट को या फिर कोई भी आपके पास ट्रे है उसको थोड़ा सा घी लगा के ग्रीसिंग कर लेंगे और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे वो डाल देंगे। अब हम हमारा पूरा जो मिश्रण है वो इसमें डाल के इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसको गरम गरम ही रहते समय एक कटोरी से अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से इसे सेट करना है। देखिए अब मैंने इसे इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये हमें जब गरम गरम रहता है हमारा मिश्रण तभी करना है, ठंडा होने के बाद ये इस पर सेट नहीं होगा। इस तरह से डाल लेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और एक स्पून की सहायता से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। देखिए अब हमारा ये जो मिश्रण है इसे थोड़ा जब गर्म रहता है तभी हम इसे जो चाहिए वो शेप में पहले कट कर लेंगे। इसे ज्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा, थोड़ा गर्म रहता है तभी आप इसे शेप दे दीजिएगा, नहीं तो ये बाद में ठंडा होने के बाद अच्छे से शेप नहीं आएगा। मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ, आपको जो चाहिए वो शेप आप इसे दे सकते हो। अब इसे थोड़ी देर अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, एक से दो घंटे इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए अब एक घंटा हो गया है लेकिन अभी भी हमारी ये जो बर्फी है वो थोड़ी सी गर्म ही है और अच्छे से सेट नहीं हुई है, तो अब हम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। आधा या एक घंटा हमें इसे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लेना है, तभी ये अच्छे से आप निकाल पाओगे। अब हमारी यह बर्फी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसे इस ट्रे से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी केसर नारियल विद ड्राई फ्रूट्स बर्फी रेडी है। देखिए इस तरह से हमारी केसर नारियल विद ड्राई फ्रूट्स बर्फी रेडी है।